आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज केक बनाते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। इससे पहले मेरे चैनल पे जो भी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँचे। इससे पहले भी मैं एक केक बना करके वीडियो डाली हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं इसे बनाते हैं। ये शुगर है आधा कटोरी से ज़्यादा, इसको मैं अच्छे से मिक्सी में महीन पीस ली हूँ। ये एक चौथाई कटोरी रिफाइन है, जितना रिफाइन था उतना ही दही है, एक चौथाई कटोरी। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे। इसमें ये नमक डाल दे रहे हैं। ये नमक बार बार मैं इससे केक बनाई हूँ 5-6 बार, इसलिए थोड़ा कलर चेंज हो गया है। इसके ऊपर स्टैंड या ऐसा जो मिलता है स्टैंड, इसको रख देंगे, ऐसे दबा देंगे। इसको ढक दे रहे हैं गर्म होने के लिए। देखिए थाली से अच्छे से मैं ढक दी हूँ। ये मैदा है, भर भर करके दबा करके नहीं लेंगे, ऐसे ही लेंगे। डेढ़ कटोरी में मैदा ले लूँगी। देखिए एक कटोरी वो था, आधा कटोरी ये टूटी फ्रूटी है, घर का बना हुआ टूटी फ्रूटी है। इसमें थोड़ा सा मैदा डाल करके ऐसे इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर ली। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको निकाल देंगे। इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। इन सब को अच्छे से छान लेंगे। देखिए अच्छे से छान ली। ये जो है इसको हटा देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। देखिए ये मिला ली हूँ। अब दूध डाल डाल कर कैसे मिलाएंगे। इसको मिलाते जाएंगे और दूध थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। देखिए रेडी हो गया है। इसका ऐसा ही बेटर बनाएंगे। अब इसको साइड में रख देते हैं। ये केक टिन ले ली हूँ, इसमें ये बटर पेपर डाल दी हूँ नीचे, रिफाइन चारों तरफ ऐसे। अच्छे से मिला लेंगे चारों तरफ। देखिए ये अच्छे से हो गया। अभी देखिए ये विनेगर है, इसे एक चम्मच डालेंगे। विनेगर के जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें ये टूटी फ्रूटी डाल देंगे और डाल करके इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इसे केक टिन में डाल दे रही हूँ।
देखिए अच्छे से केक टिन में इसको डाल दी, देखिए पूरा डाली हूँ। इसको टैप टैप थोड़ा सा कर लेंगे और जो ये टूटी फ्रूटी थोड़ा सा रख ली हूँ इसको ऊपर से ऐसे डाल देंगे। देखिए इसको डाल ली अच्छे से, थाली को हटा लेते हैं। अब इसके ऊपर ये केक टिन रख देंगे अच्छे से, इसको 30 मिनट के लिए रखेंगे बेक होने के लिए। फिर इसको अच्छे से ढक दे रही हूँ, फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहेगा। देखिए अच्छे से ढक दी, अब 30 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। चेक कर लेते हैं 30 मिनट हो गया है, देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसे निकाल लेंगे, देखिए केक कितना बढ़िया बना है। अब इसको थोड़ी देर कपड़े से ढक करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये मुलायम होता है ढकने से, सॉफ्ट बिल्कुल। इसको थोड़ी देर ऐसे कपड़े से ढक करके छोड़ देंगे, फिर इसे निकालेंगे। केक देख लेते हैं, देखिए ठंडा हो गया है। अब चाकू लेकर के साइड से ऐसे चाकू से छुड़ा देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, छूट जाएगा। देखिए कितने आसानी से निकल गया, और देखिए बटर पेपर भी इसी में है अंदर ही, देखिए कितना अच्छे से छोड़ दिया है और सॉफ्ट कितना बना है स्पंजी। काट करके दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए काट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्पंजी बना है बिल्कुल सॉफ्ट, देखिए